दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास आज से लाखों साल पुराना माना जाता है। ये इतिहास इतना बड़ा है कि इसको प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक तीन अलग अलग श्रेणियों में रखकर देखा जाता है। हमारे भारतीय इतिहास में अनेक संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ मौजूद रही हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर के लोग हमारे इस इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि भारत में आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस आज से लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होमो सेपियंस ही वो प्राचीन मानव जाति है जिससे आज के आधुनिक मनुष्य विकसित हुए हैं। हालांकि अगर हम इतिहास की और ज्यादा गहराई में जाएं, तो भारत के अंदर इंसानों के होने के निशान लगभग 20 लाख साल तक पुराने मिल चुके हैं। लेकिन 20 लाख साल पहले जो मनुष्य भारत में रहते थे, वो कई वर्षों पूर्व प्राचीन दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। विलुप्त हो चुके इन प्राचीन मानवों को आज होमो इरेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि होमो इरेक्ट्स दुनिया में सबसे पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे और फिर वहाँ से पलायन करके वे दुनिया के दूसरे देशों जैसे भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया और जॉर्जिया आदि में फैल गए। कहा जाता है कि 20 से 25 लाख साल पहले पेलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल के दौरान भारत के अंदर होमो इरेक्ट्स ही रहा करते थे, क्योंकि खोजकर्ताओं को भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे कई जगहों पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिल चुके हैं। ये प्री हिस्टोरिक युग का वो समय था जब इंसानों ने पहली बार आग जलाना और पत्थरों से हथियार बनाना सीखा था। पूरा पाषाण काल के बाद 10,000 बीसी से 8,000 बीसी के बीच का समय मेसोलिथिक पीरियड या कहें मध्य पाषाण काल कहलाता है। दोस्तों, ये वो काल था जिसमें इंसानों ने जानवरों को पालना और खेती करना शुरू किया था। इस काल से जुड़े बहुत से अवशेष हमारे भारत के मैसूर और गुजरात के अंदर खोजे जा चुके हैं। इसके बाद 8,000 से 4,000 बीसी के बीच का समय नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में हम इंसानों ने खेती करने के साथ ही पहली बार पहिए का इस्तेमाल करना भी सीखा था। और इसके बाद 4000 से 1500 बीसी के बीच का समय चालकोलिथिक पीरियड या कहें ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में इंसानों ने पत्थरों के साथ ही तांबे का हथियार बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही अगर भारतीय इतिहास की नज़र से देखें, तो ये युग भारत के लिए सबसे ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यही वो युग था जिसके दौरान भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी। और आज भारत के प्राचीन इतिहास की शुरुआत भी इस सभ्यता के बनने के समय से ही मानी जाती है। इतिहासकार और खोजकर्ता ये बताते हैं कि इस सभ्यता की शुरुआत 2500 बीसी के आसपास भारत के पश्चिमी हिस्से में हुई थी। हालांकि दोस्तों, भारत का वो हिस्सा आज पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बन चुका है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। हैरानी की बात यह है कि साल 1920 से पहले हम लोग इस सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक खुदाई के दौरान जब इस सभ्यता के दो प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष निकलकर सामने आए, तब जाकर हमें इसके बारे में पता चला। इस खुदाई में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को घरों के टूटे हुए हिस्से, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, सोने और चांदी के आभूषण, मोहरे और बच्चों के खिलौने जैसी और भी बहुत सी चीजें मिली थी। दोस्तों, 5000 साल पहले भारत के अंदर ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थी। दोस्तों, सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता थी जिसके अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के साथ ही लोथल, कालीबंगा, बनवाली और आलमगीरपुर जैसे कुल 10 शहर हुआ करते थे। इन सभी शहरों में सबसे बड़े और मुख्य शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माने जाते थे, क्योंकि ये उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। खुदाई में इन दोनों शहरों के जो खंडहर खोजकर्ताओं को मिले हैं, उनकी जांच करने पर ये पता चलता है कि ये दोनों शहर बेहतरीन इंजीनियरिंग की मदद से बहुत ही अच्छी तरह प्लान करके बसाए गए थे। साथ ही इन शहरों की देखभाल और रखरखाव का काम भी काफी अच्छे ढंग से किया जाता था। दरअसल इन शहरों में लोगों के लिए एक चौड़ी सड़कें और साफ सफाई के लिए एक अच्छा सीवर सिस्टम बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर लोगों के लिए पक्की ईंटों के मकान बनाए गए थे जो 2 मंजिले तक ऊंचे होते थे। हड़प्पा के लोग अनाज उगाना बहुत अच्छी तरह जानते थे और इन चीजों को उगाकर वे अपने लिए भोजन जमा करते थे।
खुदाई में मिले कुछ सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वे लोग सूती और ऊनी कपड़े पहना करते थे। बताया जाता है कि 1900 से 1500 बीसी के बीच इस सभ्यता का अंत हो गया था। दोस्तों, इसी तरह अगर आप भारत के मध्यकालीन इतिहास को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।